करते क्वेश्चन को, पेज 3.7 पे क्वेश्चन नंबर 7 निकालो, पेन या पेंसिल ले लो सब लोग। पेज 3.7 क्वेश्चन नंबर 7, पेज 3.7 क्वेश्चन नंबर 7, पेन या पेंसिल ले लो। चल पेज 3.7 पे क्वेश्चन नंबर 7 चालू कर रहा हूं। आज यह लेक्चर में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ऑलमोस्ट मैंने सब क्वेश्चन कर लिया इस चैप्टर का, एक आध मैंने पेंडिंग रखा हुआ है। कल के लेक्चर से मैं नया चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट। वो भी फाइनल अकाउंट ही है बट वो पार्ट में बनता है बस, तो अब उसको स्टार्ट करेंगे। तो कल का लेक्चर कोई लाइव मिस मत करना, रिकॉर्डेड मिस मत करना। सो पेज 3.7 क्वेश्चन नंबर 7 आई एम स्टार्टिंग विद, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ टैक्समैन एंटरप्राइजेस प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग डिसंबर 1996 एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। क्वेश्चन 7 टिक मार्क करके दे रहा हूं, एक एक चीजों को टिक मार्क करो, पेन या पेंसिल ले लो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखो, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लिखो ट्रेडिंग डेबिट। शॉर्टकट में लिखने का, TDMD ऐसे शॉर्टकट में लिखने का, पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन में WIP है ही नहीं, हाँ ये क्वेश्चन में WIP नहीं है, फाइन। चलो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। फिर क्या वर्ड बोला है, कैरेज। अभी सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूं, कैरेज वर्ड है ना, कैरेज मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, कैरेज इनवर्ड बोला रहेगा तो भी मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, कैरेज आउटवर्ड बोला तो PNL में आएगा, और एडजस्टमेंट अगर बोलता है थोड़ा कैरेज इनवर्ड में दिखाओ थोड़ा आउटवर्ड में दिखाओ तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। ये क्वेश्चन में ऐसे ही बोला है। अभी आपको याद रखना कैरेज ऑन परचेज बोला ना, कैरेज ऑन परचेज तो वो कैरेज इनवर्ड होता है, कैरेज ऑन सेल्स बोलो ना, कैरेज ऑन सेल्स तो कैरेज आउटवर्ड होता है, कैरेज ऑन परचेज बोला तो इधर आएगा, कैरेज ऑन सेल्स बोला तो इधर आएगा। फिलहाल कैरेज को खाली पेंडिंग रखो क्योंकि कैरेज पे एडजस्टमेंट है, कुछ नहीं बोला रहता तो पूरा कैरेज इधर, ठीक है। चलो वेजेस मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, सैलरी PNL डेबिट, पावर एंड लाइटिंग भी पावर वर्ड पहला है मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। फिर इंश्योरेंस देखो क्लियरली बोला है मशीनरी का है, इंश्योरेंस किस चीज का है, मशीनरी का है, और मशीनरी रिलेटेड कुछ भी बोला रहेगा मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। खाली इंश्योरेंस बोलते तो मैं PNL में दिखा था, ये इंश्योरेंस मशीनरी का है तो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। अभी इसके बाद वाला वर्ड है ना रिटर्न आउटवर्ड को कट करो और उसको नाम दो ऑफिस एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस लिखो उसको, दिख रहा है, रिटर्न आउटवर्ड कट करके ऑफिस एक्सपेंस लिखो उसको, ऑफिस एक्सपेंस। हाँ पहले लिखा ऑफिस एक्सपेंस हमने, हाँ अभी लिखो कहा जाएगा PNL डेबिट, लिखो ना PNL डेबिट। उसके बाद सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट। फिर रिटर्न आउटवर्ड का मतलब लिखो, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, और याद रखना हम उसको परचेज में से लेस करेंगे। वैसे ही रिटर्न इनवर्ड को मतलब लिखना सेल्स रिटर्न, उसको लेस फ्रॉम सेल्स करेंगे। अभी ऊपर जाके वर्ड परचेज और सेल्स पे डॉट कर लो, पहले परचेज पे भी डॉट सेल्स पे भी डॉट, परचेज पे भी डॉट सेल्स पे भी डॉट, हो गया डॉट। चलो स्क्रैप सोल्ड मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट, अमाउंट देखना क्रेडिट में ही उसका, स्क्रैप सोल्ड मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट। फिर इंटरेस्ट वर्ड है ना इंटरेस्ट, उसका अमाउंट ध्यान से देखो क्रेडिट में है तो कहा जाएगा PNL क्रेडिट, अगर वो अमाउंट डेबिट में होता तो कहा जाता PNL डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी रहता है, इंटरेस्ट पेड भी रहता है, जो पेड रहता है वो एक्सपेंस होता है, इधर रिसीव्ड रहा तो इधर, डेबिट वाला डेबिट में दिखाने का, क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट में, बस इतना रूल याद रखना। कन्वेंस PNL डेबिट, प्रोफेशनल चार्जेस PNL डेबिट, स्टेशनरी PNL डेबिट, यहां तक हो गया तीनों PNL डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी PNL डेबिट, कैपिटल लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी ड्रॉइंग को लेस फ्रॉम कैपिटल हमने बहुत बार किया है,
अब ये क्वेश्चन में ड्रॉइंग को लेस फ्रॉम कैपिटल लिखा, बैंक बैलेंस का अमाउंट देखो किधर है, बैंक बैलेंस का अमाउंट देखो क्रेडिट में है, बैंक बैलेंस का अमाउंट ध्यान से देखो क्रेडिट में है, और क्योंकि वो क्रेडिट में है तो वो एक्चुअल में बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो आप बैंक बैलेंस के बाजू में ब्रैकेट में लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है, लायबिलिटी में जाएगा, अगर बैंक बैलेंस है तो डेबिट में दिखा देता था, अगर बैंक बैलेंस अमाउंट क्रेडिट में दिखा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये वर्ड में मिस्टेक नहीं, वर्ड बराबर है, बट वो जानबूझ के अगर डेबिट में बोलते तो वो आपका बैंक बैलेंस एसेट है, क्रेडिट में तो बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको बैंक को देना है वो पैसा, तो देखो कहा जाएगा लायबिलिटी, क्रेडिटर भी लायबिलिटी, 10% इन्वेस्टमेंट एसेट है वो, 10% इन्वेस्टमेंट एसेट है वो, अच्छा उसपे 10% बोला मतलब उसपे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इसके लिए उसपे डॉट करके रखो, एडजस्टमेंट बाद में समझाता हूं, फिलहाल रहने दो, डेटर को एसेट लिखो, फर्नीचर को एसेट लिखो, मशीनरी को एसेट लिखो, कैश को एसेट लिखो, लास्ट के पांचों वर्ड इन्वेस्टमेंट डेटर फर्नीचर मशीनरी कैश ऑल आर एसेट। चलो अभी किसी को ट्रायल बैलेंस में कुछ पूछना है तो अपना स्पीकर ऑन करके पूछ लो, इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क। पावर एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, हाँ पावर वर्ड पहला है ना इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, अगर लाइटिंग वर्ड पहला होता तो पीएनएल में जाता, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, वेरी गुड, और किसी को कुछ डन, चलो एडजस्टमेंट्स को स्टार्ट करता हूं, पेन या पेंसिल ले लो, एडजस्टमेंट सिंपल एक हाथ छोड़ के, पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एवरीवन नोस, मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट, वहां पे लिख दो शॉर्टकट में इधर, मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट कॉमा एसेट लिखा, वेरी गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट एसेट, ट्रेडिंग क्रेडिट एसेट, ये क्वेश्चन में डब्ल्यूआईपी है ही नहीं, नहीं है तो नहीं, इट्स ओके, अभी एडजस्टमेंट सी क्या बोलता है देखो ध्यान से पढ़ो, वन थर्ड ऑफ कैरेज इज फॉर सेल एंड टू थर्ड इज फॉर परचेज, तो जो सेल वर्ड है ना सेल वो कैरेज आउटवर्ड हो गया और परचेस वर्ड है ना वो कैरेज इनवर्ड हो गया, तो आपके कैरेज के अमाउंट को आपको दो पार्ट में दिखाना है, जितना परचेस के बारे में बोला है वो इधर और जो सेल्स के बारे में बोला है वो इधर, आप खाली सेल्स के ऊपर लिखो आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड है वो और परचेस के ऊपर लिखो कैरेज इनवर्ड है वो, अमाउंट में बाद में सिखाता हूं ना डिवाइड करने को, एक मिनट का काम हो, एडजस्टमेंट नहीं है खाली कैरेज के अमाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करके लिखने बोला, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, ठीक है ट्विस्ट किया है बट ट्विस्ट में दम नहीं है, फाइन एडजस्टमेंट डी, डॉट नहीं आएगा अभी तक किसी पे भी, गुड्स परचेज फॉर 3000 वाज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट एंट्री इज नॉट लिखना, नॉट पास्ट इन द बुक्स, इज नॉट पास्ट इन द बुक्स ऑफ फॉर द सेल, नॉट पास्ट होना चाहिए वो, टाइपिंग मिस्टेक है वो, नो एंट्री होना चाहिए था, अभी मतलब क्या हुआ सर इसका, इसका मतलब ये हुआ कि आपने गुड्स खरीदा उसको बुक में लिखना भूल गए, ऐसा नहीं कि हमने कुछ फ्रॉड किया गलती किया, नहीं भूल जाते हम लोग बहुत सारी चीजें, तो यहाँ पे भी हमने गुड्स खरीदा बुक में लिखना भूल गए, तो पहले उसका मतलब लिखो वो है अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज, अभी उसके दो इफेक्ट, अपने टेक्स्ट बुक का एडजस्टमेंट है रेगुलर एडजस्टमेंट है, एड टू परचेज एड टू क्रेडिटर, दो इफेक्ट, एड टू परचेस एड टू क्रेडिटर, दो इफेक्ट, एड टू परचेस एड टू क्रेडिटर, अभी पहले पेज पे जाओ परचेस पे डॉट करो क्रेडिटर पे डॉट करो, परचेस पे भी डॉट क्रेडिटर पे भी डॉट, पहले पेज पे परचेस पे डॉट नीचे क्रेडिटर पे डॉट, फाइन चलो, अभी याद रखना उस एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक वर्ड भी बोला है, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, जो भी तुम खरीदते हो ना वो एंड में क्लोजिंग स्टॉक में ही जाता है, क्योंकि अगर नहीं बिका तो क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक वर्ड का इस एडजस्टमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, मैं बोलना चाहता हूं लोग बोलते हैं कि स्टॉक खरीदा है दिख रहा भी है फैक्ट्री में कि है क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स है बट बुक में लिखा नहीं है, मतलब एक्चुअल में हमारे फैक्ट्री में गुड्स आया है खाली अकाउंटेंट उसको बुक में लिखना भूल गया,
तो अनरिकॉर्डेड परचेज एड टू क्रेडिटर, एडजस्टमेंट ई पढ़ रहा हूं, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर बाय 10% पर एनम, हर क्वेश्चन में किया हमें। मशीनरी का दो इफेक्ट लिखो, लेस फ्रॉम एसेट मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, और फर्नीचर का लिखो लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट। चलो डॉट किस पे सर, एक मशीनरी पे एक फर्नीचर पे, एक मशीनरी पे एक फर्नीचर पे। चल एडजस्टमेंट की पढ़ रहा हूं, सिंपल एडजस्टमेंट से, खाली बहुत सारे एडजस्टमेंट है, सब कवर हो गया इसमें। क्रिएट प्रोविजन ऑफ 10% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, पहला बैड एंड डाउटफुल डेट का मतलब लिखो आर डी डी, शॉर्टकट में लिखो आर डी डी। आर डी डी के दो इफेक्ट लिखो, लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला, लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला, लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला। चलो डेटर पे जाके एक डॉट प्लीज, पहले पेज पे सन्ड्री डेटर वर्ड ढूंढो, उस पर एक डॉट करो प्लीज। चलो डेटर पे डॉट हो गया। एडजस्टमेंट जी में देखो आग लगी है, यस। कितने का गुड जल गया, तो लोग बोलते इन फायर फिनिश गुड्स कॉस्टिंग 5000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ओनली 3000। इंश्योरेंस कंपनी ने खाली 3000 क्लेम पास किया, मतलब बोल सकते हैं ना कि 2000 का नुकसान हो गया। तो इसके तीन इफेक्ट आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूं। ट्रेडिंग क्रेडिट लिखो उधर टेक्सटबुक में, ट्रेडिंग क्रेडिट 5, ट्रेडिंग क्रेडिट 5, एसेट 3 क्योंकि 3000 मिल रहा है, एसेट 3 एंड पीएनएल डेबिट 2। पीएनएल डेबिट कितना 2, पीएनएल डेबिट 2, फाइन। चलो ट्रेडिंग में जाएगा 5, एसेट में जाएगा 3, पीएनएल में जाएगा 2, लास्ट एडजस्टमेंट। और वो बोलते डेटर इंक्लूड 5000 ड्यू फ्रॉम अमित, ये अच्छा एडजस्टमेंट है, एंड अमाउंट ऑफ 4000 इज ऑल्सो ड्यू टू हिम एंड इट इज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर। इसको वापस एक बार पढ़ो पहले, हाँ एडजस्टमेंट एकदम सिंपल है। एडजस्टमेंट क्या बोलता, अमित करके एक बंदा है जिससे हमने गुड्स खरीदा भी है, उसको हमने गुड्स बेचा भी है, मतलब वो हमारे लिए डेटर भी हो गया, वो हमारा क्रेडिटर भी हो गया। तो याद रखिए, जब एक ही आदमी आपका डेटर भी है और क्रेडिटर भी है, तो जितने का भी उससे व्यवहार हुआ है दोनों साइड से, उसमें जो भी अमाउंट छोटा उन लोग ने बोला रहेगा वो दोनों जगह से लेस करने, वो दोनों जगह से लेस। अभी इस क्वेश्चन में उससे 5000 का गुड्स लिया है, 4000 का गुड्स उसको बेचा भी है, तो जो भी छोटा अमाउंट है वो सामने सामने क्लियर हो जाएगा, बाकी का खाली हिसाब बाकी रहेगा। मतलब क्या सर, मैंने आपको ये मार्कर बेचा 5000 में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 5000 में बेचा, आपसे मैंने ये कैलकुलेटर खरीदा 3000 में, तो 5000 में बेचा तो आप डेटर हो, 3000 में खरीदा तो आप क्रेडिटर भी हो। अभी जब हम हिसाब को बेटेंगे तो 5 और 3 में से छोटा अमाउंट कौन सा है, 3000, वो दोनों जगह से पहले सेट कर दो, 3 का हिसाब तो क्लियर हो गया, तो खाली डिफरेंस कितने का रहेगा 2000। आपको क्या याद रखना है, जब भी कोई आदमी आपका डेटर भी है क्रेडिटर भी है, तो उसको डेटर से भी लेस क्रेडिटर से भी लेस, लेस कौन सा करने का, वो अमाउंट जो छोटा है। तो आप दो इफेक्ट लिखो, लेस फ्रॉम डेटर लेस फ्रॉम क्रेडिटर, दो इफेक्ट लिखो, लेस फ्रॉम डेटर लेस फ्रॉम क्रेडिटर, लेस फ्रॉम डेटर लेस फ्रॉम क्रेडिटर, और फिर लिखो अमाउंट विच एवर इज लेस, अमाउंट विच एवर इज लेस, जो भी अमाउंट छोटा बोला रहेगा ना वो लेस होगा, डेटर से भी क्रेडिटर से, वेरी गुड। चल किसी को कुछ पूछना है, डाउट करना है, कुछ पूछना है, डेटर क्रेडिटर पे डॉट प्लीज। डेटर पे देखना मेरे हिसाब से 2 डॉट हो गए, क्रेडिटर पे भी 2 डॉट हो गए। किसी को कुछ पूछना है स्पीकर ऑन करके पूछ सकता है। डेटर पे डॉट क्रेडिटर पे डॉट, हाँ बोल, कौन सा वाला डी मतलब क्या है आपने, अच्छा
वो आपने गुड्स खरीदा, मैं बताता हूँ, हाँ आपने गुड्स खरीदा उसको बुक में लिखना भूल गए, आपने गुड्स खरीदा उसको बुक में लिखना भूल गए, तो भूल गए ना, जैसे याद आ गया लिख दो, वो है ही क्या, अनरिकॉर्डेड परचेज, आपने गुड्स खरीदा बुक में लिखना भूल गए तो वो अनरिकॉर्डेड परचेज है, एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर, लिखा हाँ। और वो क्लोजिंग स्टॉक वर्ड क्या बोलता है कि जो भी खरीदा वो क्लोजिंग स्टॉक में लिख रहा है कि गुड्स खरीदा है, खाली बुक में लिखना भूल गए, तो एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर। हाँ नेक्स्ट, किसी को कुछ पूछना है, एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर, और कोई, चलो डन, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आराम से, लेकिन ये क्वेश्चन का क्लोजिंग मैं नहीं करूंगा आज, क्लोजिंग वाले बहुत सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट किए, नॉर्मल क्वेश्चन है, क्लोजिंग पूरा समझा दूंगा, आप अपने हिसाब से क्लोजिंग खुद से करना जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन, एवरी वन इज रेडी, चल लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट, रिलैक्स करके बैठने का, साथ में सॉल्व करोगे कुछ समझेगा नहीं, मैं फोटो भेजूंगा, दो मिनट का काम रहेगा आपको सॉल्विंग के लिए, स्टार्ट कर रहा हूं विद अ वर्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 18,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिख रहा है 3,500, फिर टू परचेज है, परचेज का अमाउंट है 95,800, बराबर है, इसमें लेस परचेज रिटर्न भी है, परचेज रिटर्न किधर है, ये है ना परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड 2,500, पहले हम इसको इसमें से माइनस करते हैं, 300 बचा, ये 93 बचा, ठीक है, एक लाइन क्यों छोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में परचेज पे और एक एडजस्टमेंट है, फाइन, चलो परचेज हो गया, अभी आराम से देखो कैरेज का अमाउंट कितना दिख रहा है, 12,000, कैरेज का अमाउंट कितना दिख रहा है, बोलो कैरेज का अमाउंट 12,000 दिख रहा है कि नहीं, कैरेज 12,000, कैरेज देखो परचेज के बाद वाला का अमाउंट है, परचेज का कैरेज का अमाउंट 12,000 है, फाइन, अभी एडजस्टमेंट नंबर सी बोलता है कि उसका 1/3 कैरेज जो है ना, 1/3 कैरेज जो सेल्स का है, तो कैसे निकालने का, 12,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, तो कैलकुलेटर पे आंसर आया 4,000, कैलकुलेटर पे आंसर आया 4,000, तो इस सेल्स का, सेल्स मतलब कैरेज आउटवर्ड होता है, तो 2 कैरेज आउटवर्ड में आएगा 4,000, कितना 1/3, देखो ब्रैकेट में भी लिखा, मतलब बाकी का इधर आएगा, 2 कैरेज इनवर्ड हो गया, वो कितना 2/3, अभी 12 में से 4 उधर गया, तो इधर सोच क्यों रहे हो, इधर ऑटोमेटिकली कितना आएगा 8, और बोला भी वैसे कि 2/3 परचेज का है, इतना याद रखना, परचेज का कैरेज इधर, सेल्स का कैरेज इधर, एडजस्टमेंट नहीं था ये, इन्फॉर्मेशन था जो हमको दो पार्ट में डिवाइड करने को बोला था, हमने कर दिया, वेरी गुड। कैरेज के बाद वर्ड है वेजेस, वेजेस का अमाउंट है 18,000, सैलरी इधर आना चाहिए, ये सब पे डॉट्स नहीं है, 14,000, सैलरी का पावर वर्ड पहला है तो इधर आएगा, पावर एंड लाइटिंग 4,500, इंश्योरेंस मशीनरी का बोला इसके लिए इधर आएगा, मशीनरी का है 700, फिर जो वर्ड में मिस्टेक था वो ऑफिस एक्सपेंस मैंने वो लिखा है, तो इधर आएगा वो ऑफिस एक्सपेंस, अमाउंट 1,300, ये देखो 1,300 दिए मैंने लिखे, फिर सेल्स इधर आएगा बाय सेल्स, अमाउंट 2,03,500, फिर रिटर्न आउटवर्ड ये 2,500 ऑलरेडी लिख दिया, रिटर्न इनवर्ड इसमें से लेस, लेस रिटर्न अमाउंट कितना 3,500, तो 2,03,500 में से 3,500 गया, तो एग्जैक्ट 2,00,000, डन,
फिर स्क्रैप सोल्ड इधर आता है, बाय स्क्रैप सोल्ड 1000, बाय स्क्रैप सोल्ड 1000, फिर इंटरेस्ट वर्ड पीएनएल के क्रेडिट में आता है बाय इंटरेस्ट 1000, फिर कन्वेंस पीएनएल के डेबिट में 2, कन्वेयंस अमाउंट 9500, फिर 2 प्रोफेशनल चार्जेस भी है, प्रोफेशनल चार्जेस होता है 6000, फिर स्टेशनरी वो भी इधर 1250, देखो 1250, फिर इलेक्ट्रिसिटी, देखना किसी पे भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये 3750 है, ये 1250, यहां तक हो गया सबका, फाइन। अभी इलेक्ट्रिसिटी के बाद कैपिटल इधर आएगा 62500, ड्रॉइंग 30000 इधर आएगा। अभी नेक्स्ट वर्ड को ध्यान से देखना, बैंक बैलेंस है ना, बैंक बैलेंस वर्ड है ना, बैंक बैलेंस, अगर ये अमाउंट डेबिट में होता तो वो बैंक बैलेंस होता, अमाउंट क्रेडिट में है तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता, आपको याद रखना है ये छोटा सा चीज, अगर ध्यान में नहीं आएगा बैंक बैलेंस वर्ड लिख के हम लोग उसको एसेट में दिखा दें, अगर ये अमाउंट डेबिट में रहेगा तो एसेट, ये क्रेडिट में है तो लायबिलिटी में आएगा। देखो इसको मैं लिख रहा हूँ बैंक बैलेंस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, समझा के सबको, बैंक बैलेंस वर्ड दिया उन्होंने, रॉन्ग वर्ड नहीं हो दे सकते वैसा, रॉन्ग नहीं उसमें 27000, याद रखना सब लोग, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर वर्ड क्रेडिटर, क्रेडिटर पे तो दो डॉट है, इसके लिए मैं तीन लाइन छोड़ रहा हूं क्रेडिटर के नीचे। फिर 10% इन्वेस्टमेंट इधर 15000, इस पे एडजस्टमेंट है क्योंकि इन्वेस्ट किया तो मुझे उस पर इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिए, उन्होंने बोला है 10% मिलेगा मिलेगा। फिर डेटर 54000, तीन लाइन छोड़ा क्योंकि उस पर भी एडजस्टमेंट है। फर्नीचर उस पर डेप्रिसिएशन बोला है तो उस पर भी एडजस्टमेंट है 30000। मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट है क्योंकि उस पर भी डेप्रिसिएशन बोला है 45000। और लास्ट में वर्ड कैश 200, यहां पे जाके हम बोल सकते हैं हमारा एडजस्टमेंट खत्म हो गया। किसी को कुछ डाउट कुछ पूछना है स्पीकर ऑन करके पूछ लो, इफ एनीवन वांट्स टू आस्क। हाँ अरे मस्त, स्क्रैप सोल्ड 8500, वेरी गुड। देखा अगर आपका ध्यान रहता है तो मुझे कितना सिंपल पड़ता है सब समझने के लिए, तो आप अभी 1000 रुपीज लिख देते थे मैंने वो अमाउंट में ऊपर नीचे हो गया, फिर क्लोजिंग में गड़बड़ होता था, फिर 10-4। एक भी स्टूडेंट का प्रॉपर ध्यान रहेगा ना तो इट मेक्स क्वेश्चन सिंपल। जब हम एक्चुअल में क्लास में करते थे ना तो लिखने के टाइम पे कभी भी कुछ रॉन्ग हो जाता तो स्टूडेंट इमीडिएटली पिन करता था, 50 में से एक दो जन पिन करता था, देखो ये गलत लिख दिया तो हम इमीडिएटली चेंज करते। अभी क्या होता है कोई जवाब नहीं देता है तो वी नेवर नो कि हम जो लिख रहे हैं उसमें कभी स्पेलिंग मिस्टेक रॉन्ग नहीं लिखते, होता है वहां पे मेरे को 8500 नीचे 1000 था तो देखने में गड़बड़ हो गया। चलो एडजस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ, थैंक यू। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, ये पहला इफेक्ट, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अमाउंट है 28000, और फिर क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट एडजस्टमेंट में देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी दिया तो मैं साथ में ही लिख रहा हूं दोनों एडजस्टमेंट 2300 बराबर है। थोड़ा नीचे लिखता हूं ये देखो उसका सेकंड इफेक्ट इधर जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल 28000 फिनिश गुड्स 2300 चलो एडजस्टमेंट ए भी हो गया। एडजस्टमेंट सी में बोला था कि 1/3 कह रहे सेल का है, जो सेल का था वो इधर आता है,
आउटवर्ड होता है, और टू थर्ड परचेस का, जो परचेस का वो इधर आता है, देखो आपके सामने, तो उधर 4,000 गया, इधर 8,000। एडजस्टमेंट डी में बोला कि हमने गुड्स तो खरीद लिया और वो क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स लिख भी रहा है कि हाँ खरीदा है, लेकिन उसको बुक में नहीं लिखा है, वहाँ पे वर्ड नॉट टाइप नहीं हुआ, एंट्रीज नॉट पास्ट होना चाहिए, नॉट पास्ट इन द बुक्स। एडजस्टमेंट में वर्ड नॉट टाइप नहीं हुआ, आपको लिखना है खुद से, आपने गुड्स खरीदा बुक में लिखना भूल गया, अपने शीट्स में देखना है एडजस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड परचेज बोलते हैं इसको। दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट ऐड टू परचेज, तो ऐड अनरिकॉर्डेड वर्ड अनरिकॉर्डेड अमाउंट 3,000, तो 93 में 3 ऐड हो गया 96, 300। ये पहला इफेक्ट आया बच्चा लोग, ये पहला इफेक्ट आया। सेकंड, ऐड टू क्रेडिटर, ऐड अनरिकॉर्डेड अमाउंट 3,000, दोनों जगह पे ऐड होगा 61 + 3 = 64, अनरिकॉर्डेड परचेस, तो ऐड टू परचेस, ऐड टू क्रेडिटर, एक नंबर। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन बोला, प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, तो प्लांट एंड मशीनरी का 10% डेप्रिसिएशन, 45,000 का 10% 4,500, तो बैलेंस इज 40,500। ये पहला इफेक्ट है। सेकंड इफेक्ट, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे बोला इसके लिए 4,500, ठीक है ना। अभी उसी एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी बोला है, वो भी 10% लेस डेप्रिसिएशन, इसका 10% 3,000, 30 का 10%, बैलेंस 27। लेकिन इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000, वो पहला इफेक्ट, ये दूसरा इफेक्ट। फिर RDD बोला, एडजस्टमेंट एफ पढ़ रहा हूँ, RDD बोला, RDD में मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, तो वो डेट में से क्या होना चाहिए, लेस, लेस RDD, कितना परसेंट, 10%, 54,000 का 10% 5,400, बराबर है, तो 1,000 में से 400 गया 608 और 4, बैलेंस इज 48,600, 54,000 ये 3 हो गया ना, तो 5, 6, 7, 8 बराबर 8, ठीक है, एक बार खाली कंफ्यूजन नहीं चाहिए करके, बराबर। सेकंड इफेक्ट इधर आए, वो RDD 5,000, ये दिख रहा है ना, RDD एज पर एडजस्टमेंट के सामने, ये क्वेश्चन पे ये नहीं, ये नहीं, ये लास्ट वाला भी नहीं, तो टोटल विल रिमेन सेम 5,400। जो सबसे बड़ा अमाउंट होता है वो इधर आएगा, बाय गुड्स लॉस बाय फायर, 5,000 का गुड जल गया, जल गया है, इंश्योरेंस कंपनी ने 3,000 दिया, तो उसको वर्ड क्या आएगा सर, इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट 3,000, इंश्योरेंस क्लेम मिला 3,000, तो नुकसान खाली का कितना हुआ 2,000, तो इसके लिए वहां पे देखो वर्ड क्या आया, लॉस बाय फायर 2,000, इधर देखो ना लॉस बाय फायर है, इधर लॉस बाय फायर नहीं लिखा, इधर गुड्स लॉस बाय फायर, एक्चुअल लॉस खाली 2,000 का हुआ, क्योंकि 3,000 तो दिया ना तुमको इंश्योरेंस कंपनी ने, ठीक है। अभी लास्ट एडजस्टमेंट बोलता है, अमित से हमने गुड्स खरीदा भी है, अमित से गुड्स हमने उसको बेचा भी है, तो उससे पैसा आना भी है, उसको पैसा जाना भी है, तो वो हमारे लिए डेटर भी है, वो हमारे लिए क्रेडिटर भी है। तो एक ही आदमी से जब आप लेन देन करते हो, तो लेन देन में जो दो अमाउंट दिया रहेगा, उसमें से जो छोटा अमाउंट रहेगा वो एडजस्ट हो जाएगा। मैं आपको 5 देना हूं, मैं आपसे 4 लेना हूं, मैं आपको 5 देना हूं, मैं आपसे 4 लेना हूं, तो जब हम हिसाब को बैठेंगे तो 4-4 क्लियर हो गया ना दोनों साइड से, हिसाब पहले 1,000 करेगा। तो हमेशा याद रखना, जो भी छोटा अमाउंट होगा वो लेस होगा, अभी इसमें 5 और 4 है, तो 4,000 लेस, लेस अमित कितना, 4, 64 में से 4 गया 60, लेस अमित 4, 4 माइनस किया तो 44,600, दैट्स ऑल, खत्म। ये हमारा रेगुलर क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है, जितने एडजस्टमेंट हो, एक फाइनल चीज बाकी है वो समझाता हूं आपको आराम से। देखो हमने 10% इन्वेस्टमेंट किया था 15,000 का, एडजस्टमेंट बोलता है, आपने ट्रायल बैलेंस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट देखना 1 जनवरी को हुआ है, एक मिनट में दिखाता हूं, 1 जनवरी को दिख रहा है सबको,
फर्स्ट जनवरी को हुआ है। इन्वेस्टमेंट कब हुआ है सर? फर्स्ट जनवरी को, ये दिख रहा है कितने का? 15,000 का। कितने का? 15,000 का। तो जनवरी से लेकर दिसंबर पूरे साल का, जनवरी से दिसंबर पूरे साल का मुझे क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट। कितना टका सर? वो तो बोला है ना 10%। तो कैसे निकालने का 10%? मैं बताता हूं, 15,000 का 10%, तो अमाउंट कितना आया? 1500 मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। दिख रहा है 1500 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अभी देखो इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, उसमें से ऑलरेडी देखो ना इंटरेस्ट 1000 रुपया मिल गया है, ऐसा नहीं कि पूरा बाकी 1000 मिल गया है, तो बाकी कितना? खाली 500। तो आपको खाली 500 का 2 इफेक्ट देना, 1500 एक्चुअल मिलना चाहिए था लेकिन 1000 तो दिया है ना सामने वाले ने, खाली 500 बाकी है। उसका 2 इफेक्ट आपके देखना एडजस्टमेंट में है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पहला इफेक्ट पीएल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500, पहला इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट इन्वेस्टमेंट में एड इंटरेस्ट 500, तो टोटल आया 15,500। टोटल कितना है सर? 15,500। अभी सुना, अगर ये इंटरेस्ट नहीं दिया रहता तो 1000 रुपया, तो पूरा 1500 बाकी। तो मैं इधर भी 1500 लिखा था, इधर भी 1500 लिखा, ऑलरेडी तुमको 1000 रुपया मिला है ना, तो वापस क्यों तुमको 1500 देगा? उतना ही देगा जितना बाकी है। और जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे साल का इंटरेस्ट होता ही 1500 रुपया है, इसमें से मैंने आपको 1000 रुपये ऑलरेडी दे दिया है, 1000 दे दिया, तो बाकी कितना था? खाली 500। तो ये पहला इफेक्ट, ये दूसरा। यहाँ पे जाके हम बोल सकते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अभी क्लोजिंग को ध्यान से देखो कैसे करना है, आपको क्लोजिंग आता है, वैसे तो आपको सब आता है, फिर भी ध्यान से देखो। पहले इसका टोटल होगा, ये टोटल हम यहां लिखेंगे, ये दोनों माइनस करके मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान से देखो प्लीज, ये इधर से इधर आएगा, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इधर, फिर ये टोटल करना, टोटल इधर लिखना, ये दोनों अमाउंट माइनस करना, ये तुमको मिला ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर है? वो इधर आए बाय ग्रॉस प्रॉफिट, फिर वो टोटल करना, टोटल इधर लिखना, ये सब माइनस करना, तो तुमको मिलेगा नेट प्रॉफिट। हो सकता है, मैं बोल रहा हूं वापस एक बार, हो सकता है कि नेट लॉस भी आ सकता है, ये ज्यादा रहेगा तो लॉस आएगा, ये ज्यादा रहेगा तो प्रॉफिट आएगा। आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट आया तो प्लस होगा इसमें, और नेट लॉस आया तो माइनस होगा। फिर दोनों साइड पे टोटल चेक करना, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। किसी को कुछ डाउट है तो स्पीकर ऑन करके पूछो मुझसे। इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। नहीं चलो, हाँ तो अभी सुनो ध्यान से। आज मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट का ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, एक आध पेंडिंग रखा है रहने दो, मैंने ऑलमोस्ट सब सॉल्व किया है। कल से मैं डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट चालू कर, आज मैन्युफैक्चरिंग खत्म किया है, कल भी वापस फाइनल अकाउंट सिखा रहा हूं, लेकिन डिपार्टमेंटल वो क्या है कल डिस्कस करते हैं ना, डोंट वरी, बट प्रेजेंट रहो। लाइव लेक्चर का थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा मिलता है, ऑनलाइन तो आप देख ही सकते हो कभी भी, बट लाइव लेक्चर का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से, कुछ भी डाउट है कभी भी आप मेरे नंबर पर फोन करो, आपको मैं डाउट डिफिकल्टी क्लियर करके दूं। सो टुमारो विल कंटिन्यू विद न्यू चैप्टर। कुछ किसी को डाउट है?